हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सफलता की सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ है वाराणसी से स्वाति सिंह। स्वाति सिंह सिर्फ 22 साल की है और स्वाति सिंह की क्या सक्सेस स्टोरी है, स्वाति से बात करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं वाराणसी से हूँ और अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन चलते चलते कैसे आपके माइंड में ये थॉट आया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए? एक्चुअली मैम, मेरी मम्मी का सपना है बिजनेस का, और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और मैंने तो मतलब इतना मेरा था कि मैं 12th के बाद पढ़ाई नहीं करूँगी। अच्छा, यस मैम। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, एकदम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक क्लास में एकदम सबसे पीछे बैठना और फिर टीचर्स की दिन भर डांट सुनना, और फिर जो मतलब फ्रंट बेंचर्स है उनके वो बोल के जाते थे कि मतलब नंबर जब मेरे कम आते थे तो वो हंस के जाते थे कि सिर्फ स्पोर्ट्स में ही कुछ नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ता है नंबर लाने के लिए, ये सब चीज़ें। और मतलब बहुत ज़्यादा बुली वगैरह किया, तो मतलब मेरे को कभी था ही नहीं कि पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे लगता कि और आगे जाऊँगी तो और सारी चीज़ें होंगी मेरे साथ लाइफ में, और लोग बोलेंगे ऐसे, तो मुझे नहीं पढ़ना था, इंटरेस्टिंग नहीं बिल्कुल। मतलब मैंने तो बोल दिया था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो फिर मतलब मम्मी ने बोला कि अरे बीए तो करना ही है ना, अरे मतलब ग्रेजुएशन तो करना ही है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, कर लेते ग्रेजुएशन, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया बचपन से लेके अभी तक। तो मैंने कहा कि उन्हीं की बात सुनते, क्या पता उनकी बात सुनते सुनते मैं लाइफ में कुछ कर जाऊँ। तो स्वाति, पढ़ना नहीं था तो क्या करना था? वो मैम कुछ नहीं करना था उस टाइम पे, ऐसे ही ख्याल थे मेरे कि कुछ नहीं करना है। सेकेंड ईयर में जब मैं आई बीए सेकेंड ईयर में, तो मैंने सोचा कि मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि कुछ तो करो, मतलब बीए करने से कुछ होगा नहीं तो कुछ तो करो। तो फिर मैंने उसके बाद एडीसीए का कोर्स ज्वाइन कर लिया जो मेरे घर के पास में ही था। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया अपनी मम्मी के कहने पे, एंड वो एक साल का डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया लास्ट ईयर 2023 में। एंड उसी टाइम पे वहाँ जहाँ पे मैं कर रही थी एडीसीए, वहाँ पे सर ने बताया कि हम सफलता का इनॉग्रेशन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर सर ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया, तो फिर मम्मी ने मुझे आके बताया कि नहीं बहुत बढ़िया है, तुम कर लो इसको। फिर हमारी अंशुल सर के साथ में क्लासेस चलनी स्टार्ट हो गई। तो फिर सर ने मतलब सर बताते थे, बट फिर जब बारी आई यहाँ की ना कि पढ़ाई अब करनी है, जब थ्योरेटिकल की बारी आई तो फिर मेरा फिर वही हो गया। उस टाइम पे सर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो भी थोड़ा सा दिमाग होने लगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो ये करना पड़ेगा, अब लिखा नहीं जाएगा मेरे से इतनी सारी चीज़ें। धीरे 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 फिर मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही है एडमिशन लेने के बाद। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुमको कुछ करना है कि नहीं लाइफ में। तो मैंने कहा करना है, ऐसे होगा? मैंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा। तो कह रही है जब तुमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर तुम क्यों नहीं कर रही हो ये चीज़। तो फिर मैंने फिर उसके बाद मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, फिर तो मैं मतलब रिपीट फिर क्लासेस देखना स्टार्ट कर दिया। जो चीज़ें जो क्लासेस मैंने मिस कर दी थी, मतलब क्लासेस करती थी मैं रोज़ एवरी डे, बट मैं बैडमिंटन खेलने चली गई कान में एयरफोन लगा के, मैं जिम चली जा रही हूँ कान में एयरफोन लगा के, और मतलब एकदम डिस्ट्रैक्शन में थी। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब शुरू कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया उस पे, उस चीज़ पे। तो फिर नोट्स बनाना भी शुरू कर दिया। जब आपको पता चला कि आपको यहाँ आना है, वाराणसी से नोएडा आना है, वो हमारे सारे व्यूअर्स को बताओ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ये कि मैं फर्स्ट टाइम वाराणसी से बाहर निकल रही थी, फर्स्ट टाइम। इतना डिफिकल्ट था ये? बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और मम्मी पापा को मेरे से ज़्यादा था, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि जाएगी अब तो कुछ हो जाएगा, इसका कैरियर बन जाएगा, ये सब चीज़ें। अभी पढ़ने में दिमाग नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू कर दिया इसने पढ़ाई करना। तो मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था। मैं जब यहाँ पे आ भी रही थी तो भी मुझे नहीं था, मैं बस नाना के बारे में सोच रही थी कि मैं चली आऊँगी, कुछ हो ना जाए उनको, ये सब चीज़ें। बट वो आज ठीक है, अच्छे हैं, है ना। तो OJT में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? तो मेरा OJT का जो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस था, तो हम आए यहाँ पे, एंड देन उसके बाद पुष्पेन सर ने हमें पहला वर्क दिया ब्लॉग का, कि हमें 1500 वर्ड्स के ब्लॉग लिखने हैं। तो वो चीज़ें मतलब ऐसा लगा कि मतलब कैसे लिखेंगे इसे, अब क्या होगा, मतलब कहाँ से आइडिया लेके आएंगे इसको लिखने के लिए। ऊपर से ये कॉपीराइट भी नहीं होना चाहिए, प्लैगरिज्म भी नहीं आना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बट जब ओपन किया टॉपिक, देखा ओपन किया, फिर धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगा। देन उसके बाद आपका सेशन हुआ, आपके साथ मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन था हमारा, एंड आपने पहले दिन ही मोटिवेट कर दिया बहुत ज़्यादा कि खुल के रहना है, एक्टिव रहना है, बोलना है, मुँह से आवाज़ निकालनी है, और मतलब हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। आपने अपनी भी एग्जांपल दिया कि आप मतलब कैसे थे, आप अपने मतलब पास्ट में, मतलब आप हर चीज़ में, आपको नहीं भी आता तो आप हाथ उठा के बोलते थे कि हाँ मैं कर लूँगी, ये सब चीज़ें। एंड देन उसी दिन से मतलब मोटिवेशन आ गई,
और मैंने कॉल मम्मी को कॉल करके घर जाके कॉल करके बोला कि मम्मी मैम ने ऐसे ऐसे चीज़ें बोला है और मतलब आज से शुरू कर देनी है मुझे ये सब चीज़ें अगर मुझे आगे जाना है तो ये सब चीज़। फिर अगले दिन से फिर खुद मैं आके बोलना शुरू कर दिया, मैंने सबसे बात कर किया रील्स के लिए, मैंने मतलब टॉपिक्स आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया। आपने बोला कि मतलब रील्स बनेगा तो उसके लिए तुम लोग टॉपिक ढूंढ के लाओ, तो मैंने तुरंत तुरंत मतलब आपने बोला जस्ट अगले दिन मैं 4-5 टॉपिक्स लेके आई एंड आपने उस पर वर्क भी किया, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपको उसको पसंद आया एंड आपने उसमें चेंजेस करके मतलब उसको बना दी। हाँ तो फिर तब से ये एक बहुत अच्छी पार्ट था स्वाति का एंड बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है स्वाति के साथ, क्योंकि स्वाति को हम जो चीज़ बोलते थे स्वाति नेक्स्ट डे उस चीज़ के साथ प्रिपेयर्ड होती थी। तो स्वाति इज सेइंग कि शी वाज द डम्बेस्ट, बट वी पर्सनली डोंट थिंक सो, क्योंकि जितना एक्टिवली स्वाति ने पार्टिसिपेट किया है सारी चीज़ों में और जितना एनर्जी के साथ स्वाति आती थी, दैट्स द ओनली रीज़न कि स्वाति को यू नो मोटिवेशन मिला और वो आगे बढ़ने के लिए कामयाब रही है। एंड उसके अलावा स्वाति आप ये बताइए कि जब इंटरव्यू के लिए आपको जाना था वो मोमेंट जब मैंने आपको बताया कि अब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो चुका है और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, वो एक कैसा मोमेंट था? वो मोमेंट तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट था मेरे लिए पहले, क्योंकि मेरा सब कुछ मतलब मैम ने बोला कि इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं सोच रही हूँ कि कैसे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, मैम ने कहा पोर्टफोलियो वगैरह चेक कर लो अपना, सब एक साइड कर लो, वहाँ पे शो करना होगा। तो मैं अपना लैपटॉप ओपन कर रही हूँ, जब मैंने अपना ओपन किया तो उसमें सब कुछ उड़ चुका था, सबका सब डिलीट हो चुका था, जबकि मैंने लास्ट नाइट ही सब चेक करके अच्छे से साइड में रख लिया था उसको कि ये सब चीज़ें मुझे वहाँ जाके शो करना है। बट मॉर्निंग में पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया और मैं एकदम डिप्रेस, मैं मैम के पास गई, मैम को बोला कि मैम मेरा सब कुछ डिलीट हो चुका है, तो फिर मैम ने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं जाओ इंटरव्यू दे के आओ। सो जब मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ से निकल रही थी तो मुझे ये चीज़ खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने जो भी वर्क किया था यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे लैपटॉप पे से, बट मुझे सिर्फ दो चीज़ें याद थी जो मैम ने कहा था कि यू गाइज आर द चूजन वंस, और इसलिए मैम ने बोला था क्योंकि हमने कुछ तो मैम को प्रूफ करके दिखाया था, और दूसरी बात ये थी कि मैंने ही तो सारा वर्क किया था, तो मैंने जब किया था वर्क तो मैं कॉन्फिडेंट होके जाके वहाँ बोल सकती थी, और मैंने उतने कॉन्फिडेंस से जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, ना मुझे नर्वसनेस हुई ना मैंने मुझे कुछ हुआ। और जो हमारे इंटरव्यू थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने स्टार्टिंग बोल दिया कि एकदम फ्रेंडली होके बताओ जो भी चीज़ें तुमको आती, मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताओ कि आपका प्लेसमेंट हुआ कहाँ पर है? मेरा प्लेसमेंट होको इंडिया में हुआ है एंड मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटर की तौर पे वर्क करने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति, थैंक यू सो मच मैम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा अगर मैं बात करूँ पहले की स्वाति में और अब की स्वाति में, yes, ma'am. तो सफलता ज्वाइन करने से पहले स्वाति क्या थी और सफलता ज्वाइन करने के बाद स्वाति क्या है उसके बारे में? सफलता ज्वाइन करने के पहले मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और सफलता ज्वाइन करने के बाद मैम मिली, फर्स्ट सेशन हुआ, पहले दिन ही मैम ने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि आज तक मोटिवेटेड हूँ, और इसी मोटिवेशन से मैं आगे भी काम करती रहूँगी, जब तक मुझे जो भी लाइफ में करना है वो सब मैं इसी मोटिवेशन से करूँगी, और आई होप कि मैम आगे भी चल के हमें मोटिवेट करें ऐसे ही। डेफिनेटली डेफिनेटली, सो थैंक यू सो मच मैम आपको भी, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति, थैंक यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड नेवर थिंक लाइक दैट कि यू आर द डम्बेस्ट, तो हमारे लिए तो तुम स्टार हो एंड डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल तुमने गेन किया है जो कि तुम्हें आगे बहुत 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 कामयाबी देगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क आप ऑलरेडी करते हो, स्मार्ट वर्क आपने यहाँ पर हमें प्रूफ किया है, तो वी जस्ट वॉन्ट कि आप वहाँ पर भी अपने यू नो अपने मैनेजर को, अपनी टीम को अपने स्मार्ट वर्क से और हार्ड वर्क से इम्प्रेस करते रहो, एंड अगर आप ये चीज़ करते रहोगे तो डेफिनेटली आप करियर में आगे बढ़ोगे, एंड अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराओगे, हम सबको प्राउड फील कराओगे। वी आर ऑलरेडी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपकी बहुत अच्छी अच्छी यू नो अचीवमेंट्स की खबरें सफलता को मिलती रहे एंड हमारे सारे स्टूडेंट्स आपकी स्टोरी से मोटिवेट होते रहे। सो गाइस ये थी वाराणसी की स्वाति की स्टोरी जो कि
बचपन से ही बहुत पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रही है और बहुत सारे ताने झेले हैं जिसने डम्बेस्ट एंड बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत तरह की बातें बोली हैं, बट फैमिली के सपोर्ट की वजह से एंड सफलता के सपोर्ट की वजह से आज कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टेबल कर लिया है, पढ़ाई करनी शुरू कर दी है और अपने लिए एक करियर का दरवाज़ा खोल दिया है एंड नाउ शी इज ऑल सेट टू स्टार्ट हर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एंड अपने आप को कामयाबी में पहुंचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज सफलता टॉक्स एंड सफलता.com एंड ऑल्सो कॉमेंट में जरूर बताना कि स्वाति की सक्सेस स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली सक्सेस स्टोरी।